अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रक शाहज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप गिलास फंट किस तरह से बना सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो गिलास फंट है। इसके लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, एक पिक्सल ऐप एंड पी एस टच। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और पिक्सल ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर पिक्सल ऐप में पिक ऐड करनी, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर ली और नेम भी मैंने लिख लिया है, हीरो नेम मैंने लिख लिया है। अब आपने करना है कि आपने इसकी पैडिंग कर लेनी है। पैडिंग करने के बाद आपने साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेना है। साइज़ आपने जितना भी इंक्रीज़ करना वो आप कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने के बाद आपने करना कि आपने यहाँ पर लिखना है RRR लिखना है, ठीक है। RRR लिखने के बाद आपने यहाँ पर बोनस आर्ट फॉन्ट लगा देना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा लिया। इसके अलावा आपने इसको यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। अब आपने आना है शेप में, ठीक है। यहाँ पे ये देखना शेप वाला ऑप्शन है, शेप में आ जाना है। शेप आपने कोई भी सिलेक्ट कर देनी है। मैं जैसा कि ये शेप सिलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है। लंबा करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, तकरीबन यहाँ तक हो गया। और अब आपने करना क्या है, आपने आने स्ट्रोक में। स्ट्रोक में आने के बाद आपने ब्लैक स्ट्रोक रखनी है और वाइप रखनी है और इसकी बोनस आर्ट की फिर कॉपी करनी है। और यहाँ पर कैपिटल लेटर में एफ लिखना है। एफ लिखने के बाद आपने फॉन्ट्स में आना है और यहाँ पर ना फॉन्ट्स जो लगाना है वो आपने लगा लेना है, तकरीबन लीव्स फॉन्ट आपने लगा लेना है। और इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है, ठीक है, और साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा करके यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर आना है। तो ये भाई सुबह भी कह रहा था कि मार्च का नहीं पता, पहले उस पे जाना है, फिर यहाँ पर इन सब को चेक लगा देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर अरेज कलर वाला ऑप्शन होगा, ये वाला, ठीक है। इस पे आपने आ जाना है और अब आपने वन पे क्लिक करके तो यहाँ पर ले जाना है और टॉलरेंस इसकी फुल कर देनी है, ठीक है। अब आपने इसका फ्रंट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको अल्ट्रा सेव टू गैलरी कर लेना है, ठीक है। सेव टू गैलरी करने के बाद आपने सिंपली पी एस टच में जाना है। फ्रेंड, यहाँ पर पिक भी और नेम भी मैंने ऐड कर दिए पी एस टच में। अब आपने आना है यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर आना है डुप्लीकेट लेयर, इसकी दो कर देनी है, ठीक है। टोटल तीन लेयर हो जानी, हमने तीन लेयर पर काम करना है। अब आपने करना है क्या, फर्स्ट लेयर को क्लिक करना है और इसकी सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने इसको इन्वर्ट करना है। जैसे इन्वर्ट करेंगे ये फुल ब्लैक हो जाएगा। अब आपने प्लस के साथ जो आइकन है इस पर मार्क कर देना है और यहाँ पर नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको सिंपली यहाँ से स्क्रीन कर देना है। अब आपने आना है सेकंड लेयर पर, एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने करना कि आपने शेडो में आना है। शेडो में आने के बाद आपने इसका एंगल इंक्रीज़ कर लेना है 130 पे और इसका जो ब्लर है ये 5 कर देना और डिस्टेंस आपने 8 कर देनी है और ओके कर देना। अब आपने इसका ब्लेंड मोड चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने आना है थर्ड वाली लेयर पर, एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने बेवल में आना है। बेवल यहाँ पर तीन सा बना हुआ। अब आपने कलर सिंपली ब्लैक कर लेना है और इसका ब्लर इंक्रीज़ कर लेना और जो डिस्टेंस है ये भी इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। ब्लर इसका 20 और जो ब्लर इसका 26.4 और डिस्टेंस 20, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपने करना कि आपने इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने ये वाला ब्रश सिलेक्ट करना है। ये वाला ब्रश सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी कलर रख लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं रेड रखूँगा, ठीक है, रेड आपने इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। आपने कलर कोई भी रख लेना है जो आपको पसंद हो, ज़रूरी नहीं है जो कलर मैं करूँगा आपने वो ही कलर करना है, ठीक है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अब मैं जल्दी जल्दी में करूँगा, सब वर्ड में करूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो फ्रेंड, यहाँ पर कलर मैंने कर लिया है इन सब वर्ड में, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आपने इस पर 4-5 दफ़ा बेवल लगा देना है। एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया, चार दफ़ा हो गया और 5 दफ़ा हो गया और ये 6 दफ़ा हो गया और ये 7 दफ़ा हो गया, 8 दफ़ा हो गया। आपने तकरीबन 9-10 दफ़ा बेवल लगाना है। इसमें कलर कम होता जाएगा, ठीक है। अब आपने फर्स्ट लेयर में आना है, एफ एक्स में आना है और ग्लो में आना है। इस पर वाइट स्ट्रोक लगानी है, 0.6 इसका ब्लर करना है। इस पर एक दफ़ा फिर स्ट्रोक लगा देनी है और इसका जो है ना ब्लेंड मोड, वो सॉरी ब्लेंड मोड नहीं, इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी है और लास्ट वाला जिसके बेवल लगाए इसका ब्लेंड मोड लैटन कर देना है आपने, ठीक है। लेटन करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और इसकी सेटिंग में अगेन आना है और यहाँ पर सेचुरेशन जो है ना इसकी ये इंक्रीज़ कर देनी, फुल कर देनी ताकि इसमें कलर ज़्यादा हो जाए। इसमें और अगर आप बेवल लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है,
जितना आप लगाना काम करना, अब आपने इसकी शेडो की कॉपी कर देनी है और इसकी एक और कॉपी कलर वाले की भी कर लेनी है, ठीक है। अगर आप इसका ब्लेंड मोड ओवरले भी रखें ऊपर वाले का तो कोई इशू नहीं है, और लेटर भी रखें तो कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ग्लास वन रेडी हो गया। इस डन पे क्लिक कर देना, ये जो यहाँ पर है आगे शेयर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके सेव टू गैलरी आपने कर लेना, तो ये आपकी पिक सेव हो जाएगी। शेयर पे क्लिक किया, सेव टू गैलरी का ऑप्शन सेकंड नंबर पर शो हो रहा था। हर वीडियो में ये बात आपको बताता हूँ, पहले पिक पे क्लिक करनी फिर ओके कर देना। तो फ्रेंड आज का हमारा बस ये था ट्यूटोरियल, अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।